Assalamualaikum my YouTube family. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह ताला की करम से आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। और आप लोगों ने जैसे जो है वो टाइटल पढ़ ही लिया होगा तो आप लोगों का अंदाजा हो। कुछ लोगों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी, मैंने जब बच्चा पार्टी वगैरह का व्लॉग डाला था कि आप जो गई हैं और आपने कुछ चीज़ें वहाँ से ली हैं तो वो विथ प्राइजेस बताइए। तो मैं काफ़ी टाइम से यार ये वीडियो बनाने की कोशिश करी थी पर रूटीन इस तरह की ना इतना मुश्किल हो जाता है मैनेज करना यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में मेरी कोई एक जॉब नहीं है। यूनिवर्सिटी में हमें क्या करना होता है, वी हैव टू टेक पेशेंट्स, और उसके अलावा हमें वार्ड जाना होता है, हॉस्पिटल में वार्ड राउंड्स होते हैं, उसके अलावा हमारी दूसरी जगह पे प्लेसमेंट होती है जिसमें हम लोग स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं और सुपरवाइज करते हैं जब वो लोग पेशेंट्स ले रहे होते हैं। उसके अलावा हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग जैसे कुछ सीनियर लेक्चरर्स हैं, कुछ लेक्चरर्स हैं, आई एम द सीनियर लेक्चरर तो मैं पढ़ाती भी हूँ। उसके अलावा मैं मास्टर्स भी करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरे सारे पेपर्स जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं और बहुत अच्छी ग्रेड्स के साथ माशाल्लाह से। लेकिन स्टिल थीसिस रहता है और थीसिस के लिए चाहिए दिमाग और टाइम लगाना, जो बेसिकली आजकल मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है। ये परीक्षा भी छोटी है और उसका शायद टीचिंग का जो है वो सिस्टम जो भी वो स्टार्ट हुआ है और उस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा जो है अभी क्लैंक की हुई भी आजकल। तो यार लिटरली मैं इतने दिनों से कोशिश कर रही थी ना कि मैं वीडियो बनाऊँ लेकिन बना ही नहीं पा रही थी। बट अभी ना सुबह के चार बज गए, परीक्षा और बिलाल सो गए तो मैंने कहा अभी टाइम है मैं वीडियो बना सकती हूँ कि जब दिन स्टार्ट होता है ना और अभी सात संडे है और सुबह के चार बज गए तो जब दिन स्टार्ट होता है फिर पेशेंट्स आते हैं, फिर उसके बाद मैं नाश्ता करना लिटरली भूल जाती हूँ। बस पेशेंट्स होते हैं परीक्षे होते हैं घर के काम होते हैं, बस इन्हीं के अंदर जो है ना वो टाइम सारा निकल जाता है तो लिटरली बिल्कुल टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने का। तो खैर बातें कम करते हैं और जल्दी से हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं उस चीज़ से स्टार्ट करूँगी जो मुझे लगा था बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा था और सर्दियाँ आ रही थी तो मैंने सबसे पहले गई और बच्चा पार्टी में जाती मैंने वो चीज़ जो है अपने कार्ड के अंदर डाल दी थी। मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ इस वाटर बॉटल की। अभी वाटर बॉटल क्यों ज़रूरी है, इसमें पानी ठंडा भी रह सकता है और पानी गर्म भी रह सकता है, लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं और वैसे भी जब बच्चा छोटा होता है तो सब बड़े बूढ़े लोग कहते हैं कि बच्चे को जब आप कोई दूध दें तो उसको अगर फार्मूला फीड आप लोग कर रहे हैं तो भी, और अगर आप लोग ब्रेस्ट फीडिंग पंप करके भी निकालते हैं तो भी आप लोग जो है उसको नीम गर्म दें ताकि जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह का इशू है वो ना हो। अगर आप पानी थोड़ा सा नीम गर्म हो और उसमें आप लोग दूध बनाए ना अपना तो उससे कॉन्स्टिपेशन वगैरह का इशू नहीं होता। तो सबसे पहले तो ये वाली बॉटल ही बहुत अच्छी बॉटल है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन हल्की सी क्या कह सकते हैं भारी है थोड़ा सा उठाने में। तो अगर मैं सेकंड चीज़ की बात करूं तो वो ये है, आई थिंक आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, चीकू करके कोई कंपनी है और ये बेसिकली बेबी कैरियर है। तो कहीं भी मैं अक्सर परीक्षे को लेके, मेरी रूटीन आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ से जाती हूँ, मामा के पास छोड़ती हूँ, फिर वहाँ से लेती हूँ, फिर यहाँ आती हूँ। तो कभी कभी होता है, मेरी मामा का जो घर है ना वो बेसिकली सेकेंड फ्लोर पर, तो कभी कभी होता है कि सामान ज़्यादा होता है कुछ होता है तो मतलब उतरते चढ़ते हुए परीक्षा को पकड़ने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है। तो आई थॉट कि मैं ऐसी कोई चीज़ ले लूँ जो मैं इजीली कैरी कर सकूँ, लेकिन ये मैं आपको अभी खोल के ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, आप लोग जो हैं इस तरह की चीज़ कैरी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस पर भी आप लोग टोटली डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि कभी कभी खुदा ना खास्ता जो हादसा होता है वो बताते हैं जो है वो नहीं होता, तो ये बेसिकली इसके कभी बकल्स भी निकल सकते हैं, वी डोंट नो। तो आप लोग जब भी इसके साथ भी अगर बेबी को कैरी कर रहे हैं तो मेजर आप लोग उसको साइड से जो है वो ग्रिप ज़रूर करें। तो मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ, मुझे लिटरली कोई और कलर चाहिए था और कोई लाइटर शेड भी चाहिए था, बट मुझे बहुत जल्दी चाहिए था और मुझे कोई और कलर मिला नहीं और मुझे कहीं और से भी कैरियर नहीं मिला था। आई डोंट नो उसको कैरियर बोलते हैं क्या बोलते हैं, मैं तो कैरियर ही बोलती हूँ। तो मुझे ये जो मिला है वो रेड कलर में मिला है, लेकिन ट्राई पहन के बुरा नहीं लग रहा, मैं पिक्चर भी अटैच कर दूँगी तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने किस तरह इसको पहना हुआ है। तो बेसिकली ये इस तरह से है और यहाँ पे आप इसको यहाँ से पूरा पहनते हो और फिर ये जो है वो सर के पीछे जाता है, ये वाला हिस्सा जो है सर के पीछे, ये वाला हिस्सा जो है वो सर के पीछे जाता है और यूँ करके आप लोग पहनते हो। एंड देन बेबी जो बेबी की टांगे होती हैं वो दोनों इस तरफ और एक दूसरी इस तरफ जो है वो लटक जाती है और बेबी आपके राइट चेस्ट के साथ पूरा जो है बकल अप जाता है। बट वही जो मैंने आप लोगों को बात कही है वो आप लोगों को याद रखनी है कि आप लोग
भले ही इसको यूज़ करें, लेकिन मेक श्योर करें कि आपने अपने बेबी को जो है से भी पकड़ के रखना, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर बकल वगैरह इधर उधर हो गया तो बेबी के अल्लाह ना करे गिरने के चांसेस हो सकते हैं। चीज़ें साथ साथ समेटना। तो अब चलते हैं कुछ सूट्स वगैरह, कुछ बॉडी सूट, कुछ चीज़ें इस तरह की मैंने ली थी जो मुझे था कि सर्दियों के अंदर, उनकी सर्दियां आपको पता है थोड़े से टाइम के लिए आती हैं कराची में और फिर चली जाती हैं, बट खैर जो पहली सर्दी होती है ना, तो कहते हैं बच्चे को उस टाइम पे कवर अप करना बहुत ज़रूरी है। उसके नाक से अगर हवा आ जाएगी, उसके कान से हवा आ जाएगी, तो बच्चे का जो है वो सीना कंजेस्टेड हो सकता है, बुखार हो सकता है, फ्लू हो सकता है, ईयर इन्फेक्शन हो सकता है, तो उस चीज़ का जो है आप लोगों ने ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है। तो सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ कि मैंने कपड़ों में क्या क्या लिया था। मैंने एक बहुत क्यूट सा, और माशाल्लाह आप लोग जब भी मेरी कोई वीडियो देखें, आप लोग किसी की बेचारे वीडियो देखें, आपको किसी की चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, कुछ भी है, बस माशाल्लाह आपने ज़रूर बोलना है, तो माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। तो मैंने ये क्यूट सा जो है माशाल्लाह से परीशे के लिए सूट लिया था, या अगर आपको यहाँ से नज़र आ रहा हो, मुझे इसकी जो ये बोल्स है ना यार, वो इतने अच्छे लगे थे, तो मैंने कहा था कि बस मैं ये लूँगी। ये मैंने शर्ट ली थी और यहाँ पर बच्चा पार्टी का जो है वो टैग लगा हुआ है। मैंने बेसिकली ये शर्ट उठाई थी, इसके साथ कोई इसका ट्राउज़र नहीं था, और ये शर्ट आई थिंक थी 1800 या 1700 करके शर्ट थी पूरी। इसकी जो स्लीव्स है उसके ऊपर भी बेसिकली वुलन शर्ट है पूरी। तो मैंने इसके साथ जो है ट्राउज़र के सेक्शन से जाके ना एक ट्राउज़र मैच कर लिया था और वो ले लिया था। मैंने वाइट रख के देखा था, वाइट कुछ खास नहीं लग रहा था, फिर मैंने ब्लू रख के देखा, ब्लू भी कुछ खास नहीं लग रहा था, ग्रीन तो बिल्कुल ही नहीं जा रहा था। मैंने इसके साथ रख लिया था रेड। तो अगर आप लोग ये देखें, ये रेड है, पता नहीं स्क्रीन पे जो है बेसिकली थोड़ा सा शॉकिंग पिंक टाइप का कलर दे रहा है, बट ये रेड कलर है, और इसके साथ मैंने ये मैच कर लिया था। तो पूरा ये जो वुलन सूट है ना, बेसिकली वुलन सूट का ही होता है कि बच्चे को अच्छे से कवर अप कर देता है, और ठंड लगने का ना जो मतलब हमें होता है कि ठंड ना लगे बच्चे को, तो इसका खतरा नहीं होता। लेकिन फिर भी आप, मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बच्चे को आप लोग कवर किस तरह कर सकते हैं जिससे उसको ठंड ना लगे, अंदर कौन सी चीज़ें पहनानी चाहिए। तो आप भले ही वुलन सूट भी पहनाएं, पर मेक श्योर कि उस बच्चे को इनर अंडरवेयर और जो प्लेन कॉटन के ट्राउजर्स होते हैं ना, वो भी ज़रूर पहनाएं। तो ये जो था टोटल मुझे पड़ा था आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 2500 के। अच्छा चले, अब मैं जल्दी से आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने दूसरा सूट कौन सा लिया था। मैंने ये लिया था फ्लीस स्टफ का। फ्लीस स्टफ का आप लोग अगर बच्चा पार्टी से ना भी लें, तो इजीली आप किसी बाजार में, किसी मार्केट में जाएंगे, उनको बोलेंगे कि फ्लीस का कोई वार्म सूट दिखा दें, वो आप लोगों को दिखा देंगे और वो आप लोग देख सकते हैं। तो ये फ्लीस का मैंने लिया था सूट, ये इसका ट्राउज़र है, और ये इसकी जो है वो बेसिकली शर्ट है। ये शर्ट मुझे बहुत क्यूट लगी थी इसलिए क्योंकि मुझे जो इसकी हुडी थी ना, ये बेसिकली आप देखें कितनी क्यूट है, इसके ऊपर जो है वो कान बने हुए, ये ईयर बने हुए, और मुझे वो इतनी अच्छी लग रही थी, तो मैंने बस ये देखते ही बोल दिया था कि बिल्लू ये लेना ही लेना है, और मुझे बस बहुत अच्छा लग रहा था। ये मुझे बेसिकली चाहिए तो बॉडी सूट था जिससे जो है जिसमें ईयर्स वगैरह बने। तो तीसरी चीज़ ली थी मैं, असल में बॉडी सूट्स भी जो है वो लेना चाहती हूँ। मुझे जो कान वाले बॉडी सूट्स होते हैं जिनके ईयर बने हुए होते हैं, वो बहुत क्यूट लगते हैं, लेकिन वो मुझे अनफॉर्चुनेटली मिले नहीं थे उस तरह के। तो मुझे एक ये मिल गया था, आई थिंक आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये पूरा एक बॉडी सूट है, और ये है पर्पल कलर का, और ये भी वुलन का, इस पर एम्ब्रॉयडरी थी। बट यार थोड़ी सी मैं डिसअपॉइंट हुई इसको लेके, क्योंकि ना यहाँ से ना ये फेड, परीशे ने बेसिकली दूध गिरा दिया था, और मैं जब उसको वॉश किया, और हल्का सा मैं असल में परीशे के कपड़े हाथ से धोती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि वॉशिंग मशीन में डलेंगे और बहुत डेलिकेट से जो है वो कपड़े होते हैं बच्चों के, तो वो ख़राब हो जाएंगे, तो मैं हाथ से धोती हूँ। मैंने बहुत हल्का हल्का सा जो है ना इसको धोया था, लेकिन यहाँ से अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो कि वो दाग जो हैं पता नहीं किस चीज़ के हैं, वो स्टिल हैं, कोई स्मेल वगैरह नहीं आ रही, लेकिन ये सही से जो है ना ये वाला एरिया जो थोड़ा सा वो ख़राब हो गया। मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी लगी थी। ये मुझे पड़ा था आई 2800 का, इट वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव जो है, मतलब सिर्फ बॉडी सूट है और इतना छोटू सा, और 2500 का। बच्चा पार्टी वाले अगर आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ कुछ करें, बहुत ज़्यादा पैसे हैं इसके। लास्ट सूट की तरफ आए, मैंने बेसिकली चार ही, बेसिकली तो मैं इतना कहती हूँ मैंने सिर्फ चार ही सूट लिए थे, और फोर्थ वाला सूट है ना उसने मुझे इतना डिसअपॉइंट किया। और ये मैंने किसी ब्लॉगर, आई थिंक इफ्रा नवाब के इंस्टाग्राम पेज पे भी देखा था, उन्होंने भी कंप्लेन की थी कि इनका जो बॉडी ट्रैक सूट टाइप की कोई चीज़ें जो हम नाइट वेयर में यूज़ करते हैं, या फिर पीजेस करके आप जो भी बोलते हैं, आई डोंट नो, उसमें भुर पड़ गई। अब भुर को इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता,
तो खैर यहाँ से लिंट आई थिंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इतना क्यूट था, मैंने देखते ही लेना था और मैंने लिया है, और एक दफ़ा वॉश किया तो उसका ये हशर हो गया। ये मैंने लिया है और ये इसका ट्राउज़र है पिंक कलर का, इसके छोटे छोटे से हार्ट बने हुए। इसकी मिकी माउस वाली जो है वो बेसिकली शर्ट पे लिखा हुआ है हैप्पी एज मिनी माउस। तो ये बेसिकली इस पे जो है ये हल्के, अगर मैं आप लोगों को पास से ये दिखाऊँ ना तो हल्का हल्का जो है ना इसके ऊपर लिंट आ गया है। मतलब ये चीज़ मुझे बहुत परीक्षा के लिए माशाल्लाह से बहुत सारी कैप्स मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये वाली कैप है जो मैंने ली थी, और ये आई थिंक थी इस तरह की जो कॉटन की फैब्रिक की कैप्स थी वो सारी 450 रुपीज़ की थी। तो मैंने चार पांच कलर में ली थी, मेरे पास है पर्पल में, ये जैसे वो बना हुआ है उस पर फ्लावर बना हुआ है, मैं आपको पिक्चर अटैच करके दिखा दूँगी। इसमें मैंने ली थी पर्पल में, पिंक में, ग्रे में, और ये है एक। उसके बाद मुझे ना पॉम पॉम वाली कैप्स जो मतलब सर्दियों की होती है वो इतनी अच्छी लगती है ना, वो भी मैंने चार पांच ही ले ली थी माशाल्लाह से। एक तो मैंने ये वाली कैप ली थी, ये पीची पिंक कलर की, फिर एक मैंने ली थी ये वाली, इस पर आई थिंक कैरेट्स बने हुए हैं, और इसका भी हशर हो गया क्योंकि मैं इसको हर वक्त पहनाती रहती हूँ। परेशे को मुझे बस ये होता है कि कान ढके रहें और हवा नहीं जाए। ये मैंने ली थी, ये इतनी क्यूट है ना माशाल्लाह से, येलो कलर की। इसके अलावा मेरे पास एक और पिंक टाइप के कलर की है और एक ब्राउन कलर की, तो ये पांच मैंने ली थी। अच्छा, इनकी प्राइसेस की बात करें तो जो गरम वाली जो सारी कैप्स है ना वो मुझे मिली थी 500 to 700 के रेंज में, और जो कॉटन वाली थी वो थी 450 के। फिर उसके बाद मैं आपको अपनी सेकेंड लास्ट चीज़ दिखाने लगी हूँ। ये बहुत क्यूट है यार, ये देखें, ये मैंने लिए थे बूटीज इनको बोलते हैं, और ये बहुत क्यूट से बहुत सॉफ्ट है। ये भी मुझे मिले थे आई थिंक 400 to 500 की रेंज के अंदर। और जो एंड में आप लोगों को मैं चीज़ दिखाने लगी हूँ ना, वो तो बेस्ट बेस्ट, मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगी है वो, और काफ़ी मतलब इतनी महंगी भी नहीं है। दूसरी जगहों पे आई थिंक थोड़ा बहुत फ़र्क तो आपको मिलेगा क्योंकि बच्चा पार्टी एक ब्रांड है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन जो ये चीज़ है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छी है। और मैं आपको दिखाती हूँ किस चीज़ की बात। हेलो जी, मैं बताती हूँ कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ इस चीज़ की बात, इसकी मैं वीडियो भी थोड़ा सा क्लिप आपको दिखा दूँगी। ये बेसिकली सीट है जो मैं लेके आई थी परीक्षा को, क्योंकि बाय 5 to 6 months बच्चों का ये होता है कि ना उनको बैठने का दिल करता है, और हम ये कोशिश करते हैं कि वो बैठ जाएं, तो हम कुशन लगाते हैं या फिर हम पिलोज वगैरह लगाते हैं, लेकिन सीट अगर होती है ना तो बच्चा बहुत कंफर्टेबल तरीके से बैठता है। अच्छा, दूसरी सीट भी थी, बट ये वाली सीट मुझे क्यों अच्छी लगी, ये मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि ना इसका जो ये चीज़ है ये वाली, इससे बहुत ये पूरी चीज़ जो है ना उसकी बैकबोन पे आके बच्चे के बहुत अच्छे से जो है वो सपोर्ट देती है। फिर ये रैटल्स वगैरह कुल शीप है, ये मैंने खुद लगाई थी और ऊपर मतलब दिया हुआ यहाँ पे सर्कुलर सी चीज़। आप लोगों के पास अगर रैटल्स वगैरह है तो आप लोग खुद भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये सीट जो है मुझे क्यों अच्छी लगी थी कि ऑब्वियसली बच्चे को बैठने का दिल करता है, क्योंकि पहले ये था कि बच्चे जब छोटे होते हैं 3 to 4 months लाइक फर्स्ट मंथ से लेके 3-4 months तक ये होता है कि बच्चे को बस दूध पिलाया, बच्चा सो गया, बच्चे को उठाया, उसने पॉटी की, सुजू किया, आपने साफ किया, उसको दूध पिलाया, फिर दैन वो सो जाता है। लेकिन बाय 5 to 6 months बच्चे को ये होता है कि उसकी प्ले स्किल्स डेवलप हो रही होती है, उसको खेलने का दिल करता है, तो उसको बैठने का दिल करता है। तो मुझे ये इसलिए अच्छी लगी थी। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरी वीडियो को, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि आप लोगों को किस तरह की वीडियो देखनी है, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उस तरह की वीडियो बनाने की। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे और सबको आपस में दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।